दोस्तों अगर आप भी सौरव गांगुली को भारतीय क्रिकेट का दिग्गज मानते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बड़े मतभेदों के दौर से गुजर रही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका दौरे की शुरुआत से पहले बीसीसीआई द्वारा कप्तान को लेकर की गई घोषणा ने उनके ऊपर हजारों सवाल खड़े कर दिए हैं और इन सवालों को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए विराट कोहली ने भी अपना बयान जारी कर दिया है, जिसके बाद वो विवाद और भी ज्यादा बढ़ता चला गया था, क्योंकि मुख्य तौर पर इस विवाद में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट और भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का नाम सामने आ रहा है। वहीं इस मामले में विराट कोहली के बाद उनकी धर्मपत्नी अनुष्का शर्मा ने भी सौरव गांगुली को लेकर एक बयान दिया है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं क्या कहा अनुष्का शर्मा ने सौरव गांगुली के बारे में। लेकिन उससे पहले इस विवाद में आप सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच किसे सही मानते हैं, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ खत्म हुई टेस्ट सीरीज के बाद बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट खिलाड़ियों के नाम की सूची को जारी किया है और उसके साथ साथ उन्होंने भारतीय ओडीआई टीम के कप्तान के रूप में बदलाव करते हुए विराट कोहली से कप्तानी छीनकर रोहित शर्मा को सौंप दी थी और उनके इस फैसले के बाद से ही लगातार कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे थे, जिसके बाद सौरव गांगुली ने अपना बयान देते हुए बात साफ की थी कि T20 मुकाबलों की शुरुआत से पहले ही बीसीसीआई ने विराट कोहली को T20 कप्तानी छोड़ने से रोका था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारतीय टीम दो कप्तानों के अंतर्गत खेले, लेकिन विराट कोहली ने उनकी बात को अनसुना करके T20 से कप्तानी छोड़ दी थी। दोस्तों सौरव गांगुली द्वारा दिए गए इस बयान के बाद साउथ अफ्रीका दौरे पर जाने से पहले विराट कोहली ने भी अपना जवाब देते हुए कहा था कि T20 की कप्तानी छोड़ते वक्त उनसे किसी भी अधिकारी ने किसी तरह की कोई बात नहीं की थी और वनडे की कप्तानी से हटाते वक्त भी मात्र 90 मिनट पहले ही उन्हें इस चीज की जानकारी मिली थी कि वो उन्हें टीम के कप्तान नहीं रहेंगे। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली के जवाब को सुनकर भारतीय क्रिकेट जगत में कोहराम सा उठ गया, क्योंकि भारतीय क्रिकेट प्रशंसक लगातार ये सवाल कर रहे थे कि इस मामले में कौन सच्चा है। वहीं विराट कोहली के बयान के बाद इस मामले में उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की कप्तानी को लेकर ये जो भी सिलसिला चल रहा है वो वाकई में शर्मनाक है, क्योंकि बीसीसीआई विश्व क्रिकेट का सबसे बड़ा बोर्ड है और उसमें बैठे सभी अधिकारी बिना सोचे समझे फैसला ले रहे हैं और ये बात बिल्कुल सच है कि विराट को ODI की कप्तानी को लेकर कोई बात नहीं पता थी। अगर विराट की ऐसी कोई भी बात होती तो वो उनसे जरूर साझा करते, लेकिन न जाने बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को ऐसा झूठ बोलने में क्या मजा आ रहा है। ये सिर्फ वही जानते हैं कि वो ऐसी झूठी बातें फैलाकर क्या हासिल करना चाहते हैं, और अगर उन्हें रोहित को ही कप्तान बनाना था तो वो पहले भी बना सकते थे, क्योंकि विराट कोहली सिर्फ अपने देश और क्रिकेट के बारे में ही सोचते हैं, उन्हें कप्तानी का कोई मोह नहीं है और वो सिर्फ इस बात से आहत हैं कि बीसीसीआई ने उन्हें मात्र 90 मिनट पहले ही इस बारे में जानकारी दी। दोस्तों अनुष्का शर्मा द्वारा दिए गए इस बयान के बाद तो ऐसा नजर आता है कि सौरव गांगुली बीसीसीआई को सवाल से बचाने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या विराट कोहली को इस तरह से कप्तानी से हटाना भारतीय टीम के लिए सही साबित होगा या नहीं, हमें अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।